हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एंड अगर किसी को चूज करना हो कि इतने सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में से कौन सा बेटर है, कौन सा उसे परचेस करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, कौन सा नहीं परचेस करना चाहिए, तो ये काफी टफ काम हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टॉप 15 बेस्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली यूज कर रखे हैं। ये वाली वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये इजिली अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। सबका ही जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको चेकआउट करना हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के उन लिंक्स पे क्लिक करके आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 15 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो काफी जाने माने ब्रांड की तरफ से आता है, वो है सेटवेट का क्ले वैक्स। अब ये वाली जो क्ले है ये आपके हेयर के अंदर काफी अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करेगी, आपके हेयर के अंदर काफी अच्छा होल्ड प्रोवाइड करेगी, बट इसको नंबर 15 पे मैंने इसीलिए रखा है बिकॉज इसका जो होल्ड है एंड जो टेक्सचर है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक हाई क्वालिटी हेयर क्ले की होती है। ऑब्वियसली ये काफ़ी बजट प्रोडक्ट है, आपको 200 से 300 की रेंज में मिल जाएगा, ऐसा कोई ख़राब प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपकी हेयर लेंथ कम हो, आपके हेयर लेंथ के अंदर आपको अच्छा खासा टेक्सचर दे, आप ये वाली क्ले डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स की भी बात करूँ तो इसके इंग्रेडिएंट्स सेफ है, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, सल्फेट नहीं है, पैराबेंस नहीं है। और अगर आप कोई है जिसको बजट के अंदर एक अच्छी हेयर क्ले चाहिए तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नंबर 14 पे जो प्रोडक्ट है वो आता है उस्तरा की तरफ से, इसका नाम है उस्तरा हेयर वैक्स मैट लुक। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके हेयर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा, डेफिनेटली इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड इससे जो आपको फिनिश मिलेगी वो एकदम एक्सट्रीमली एक मैट लुक होता है। वैसे में अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ है जो आपके हेयर को डैमेज करता हो, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, एंड कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है इसके अंदर जो आपके हेयर की हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं नंबर 13 पर। नंबर 13 पर जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट पे वो आता है फाई की तरफ से, ये है फाई की हेयर स्टाइलिंग क्ले। जो क्ले है ये सेटवेट से इसलिए बेटर बिकॉज इससे आपको टेक्सचर अच्छा मिलता है। अगर आप सेटवेट से कंपेयर करेंगे इसकी जो फिनिश है वो भी आपको नेचुरल मैट फिनिश मिलती है, इससे होल्ड भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है। आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट से मीडियम होगी तभी आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा, बट अगर आपकी हेयर लेंथ मीडियम से लॉन्गर साइड में है तो आपको उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलेगा इस प्रोडक्ट से। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेफ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके हेयर को डैमेज करता हो। एंड वॉशिबिलिटी की मैं बात बता दूं, ये वाटर सोल्यूबल्स नहीं होती है क्ले, आपके हेयर के अंदर से 70-80% ही रिमूव होती है ओनली विद वाटर। अगर आपको इन्हें कम्प्लीटली रिमूव करना है तो आपको शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा। तो नंबर 13 पे है फाई की तरफ से सेटिंग क्ले, इसका मैं डेफिनेटली एक रिव्यू बनाऊंगा। उन्नाव ये एक अच्छी हेयर क्ले है एंड अप्रूव्ड है मेरी तरफ से। अगर आपको परचेस करनी हो तो इसका बेस्ट बाइलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो जब हम आ चुके हैं नंबर 12 पे, नंबर 12 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो आता है वाइल्ड स्टोन की तरफ से, वाइल्ड स्टोन कोड हेयर वैक्स। ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हेयर वैक्स है, बट अगर बात करें कंपेयर करें उस्तरा वाले से जो मैंने पहले बताया था, इसकी जो फिनिश है आपको नेचुरल फिनिश मिलती है, आपको नो प्रोडक्ट लुक तो मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नो प्रोडक्ट लुक तो मिलेगा इस प्रोडक्ट से, बट आपको जो फिनिश मिलेगी आपके जो ओवरऑल हेयर दिखेंगे वो ज्यादा ड्रायर साइड में नहीं लगेंगे, ऐसा नेचुरल ग्लो होगा आपके हेयर के अंदर। ये काफी बजट प्रोडक्ट है, 200 से 300 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वाइल्ड स्टोन का हेयर वैक्स ट्राई कर सकते हैं। आपको चेकआउट करना हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, इसका बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 11 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो आता है न्यूइश की तरफ से, ये है न्यूइश जीरो ग्रेविटी हेयर वैक्स। स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा आपको आपके हेयर के अंदर, एक मैट फिनिश मिलेगी, उतना ग्लोई लुक नहीं मिलेगा बट एक न्यूट्रल मैट फिनिश मिलेगी, ज्यादा ड्राई लुक भी नहीं मिलेगा इससे। इंग्रेडिएंट सेफ, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये लगता है कि ये वाटर सोल्यूबल है तो ओनली विद वाटर आपके हेयर से रिमूव हो जाएगा। आपका अगर बजट कम हो एंड आपको एक अच्छा हेयर वैक्स देखना हो जो वाटर सोल्यूबल भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, या फिर आपने अर्बन गब्रू यूज कर रखा है उससे अपग्रेड करके थोड़ा सा बेटर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। न्यूइश की तरफ से आता है जीरो ग्रेविटी हेयर वैक्स फॉर मेन, इसका बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 10 स्पॉट पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो आता है अर्बन गब्रू की तरफ से हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स। आपके हेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, मैट फिनिश देता है। ये जिस प्राइस के अंदर आता है उसके अंदर आपको 10 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिलता है, इससे आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा, बट ऐसा नहीं हेयर के अंदर सिंपली अप्लाई कर लिया और आपके बाल स्टाइल हो जाएंगे। आपको प्रॉपर अपने हेयर को पोजीशन पे स्टाइल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसे एज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब ये पाउडर्स लोग बाग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये थोड़े कन्वीनियंट होते हैं, थोड़ा इजी टू अप्लाई होता है आपके हेयर के अंदर। तो अगर आप कोई हैं जो हेयर वैक्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिले जो आप इजीली अपने हेयर के अंदर अप्लाई कर पाए, फटाफट से आपके हेयर स्टाइल बना पाए, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां से जाकर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो अगेन आता है वाइल्ड स्टोन कोड की तरफ से, एंड ये है वाइल्ड स्टोन कोड की हेयर क्ले। अभी वाली जो हेयर क्ले है ये आपको क्रीम क्ले मिल जाती है, एंड इसका जो होल्ड है वो आपको मीडियम होल्ड मिलेगा। ये क्लेम करते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की, बट मैंने इसे यूज करके देख रखा है, इससे आपको मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। मतलब प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग हाई होल्ड नहीं मिलेगा, बट मीडियम से स्ट्रॉन्ग होल्ड की रेंज में आपको इससे होल्ड मिलेगा। इससे जो फिनिश मिलेगी वो आपको एक नेचुरल फिनिश मिलेगी, एंड ये रिस्टाइलेबल हेयर क्ले है। किसी भी हेयर टाइप के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपके थिन हेयर है, नॉर्मल हेयर है, थिक हेयर है, तो आप तीनों हेयर टाइप के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेफ है, आपके हेयर को डैमेज नहीं करेंगे अगर आप इसे यूज़ करेंगे। एंड मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी हेयर लेंथ थोड़ी नॉर्मल से या फिर शॉर्टर साइड हो तभी आप इसको यूज़ करें, बिकॉज इसका जैसे कि मैंने होल्ड बताया है तो वो थोड़ा सा कम आता है, तो आपको अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट से मीडियम साइड में हो तो आप ये वाला चेकआउट कर सकते हैं हेयर क्ले। अगर आपको हेयर क्ले का एक्सपीरियंस लेना है, टेक्सचर का एक्सपीरियंस लेना है, अगर क्ले से कैसा टेक्सचर मिलता है बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी का, तो आप डेफिनेटली वाइल्ड स्टोन की हेयर क्ले ट्राई कर सकते हैं। इसका बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो आता है द मैन कंपनी की तरफ से माशिशमो, आई डोंट नो कैसे इसे प्रोनाउंस करना है, ये वाला हेयर। अभी वाला हेयर वैक्स उन लोगों के लिए जिनको अपने हेयर के अंदर स्टाइलिंग के साथ साथ थोड़ा नरिशमेंट भी चाहिए। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर आलमंड ऑयल या फिर विटामिन ई जैसे, जो आपके हेयर की हेल्थ में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आपके हेयर को डैमेज तो करेगा ही नहीं, बट साथ साथ आपके हेयर की हेल्थ में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो एक प्लस पॉइंट है। इसका जो होल्ड मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है, जो फिनिश मिलती है आपको एक नेचुरल मैट फिनिश मिलती है, तो एक नेचुरल फिनिश के साथ में स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड ऐसा प्रोडक्ट जिससे बिल्कुल भी पता नहीं लगे आपने हेयर के अंदर कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रखा हो। एंड जो क्वांटिटी आती है वो भी आपको 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिल जाता है, एंड इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी 300 से 400 के बीच में है, तो पर आपको ग्राम की जो प्राइस है वो काफ़ी सही पड़ जाती है। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट आ रहा है लिस्ट के अंदर आता है लोरियल पेरिस की तरफ से, लोरियल की हेयर क्ले। अब ये वाले जो हेयर क्ले है, अगर आपने कभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हो, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ से जो आते हैं, एंड मुझे पता है इसको यूज़ करने के बाद मुझे सिमिलर एक्सपीरियंस मिला था। होल्ड, परफॉर्मेंस, टेक्सचर, सारी चीज़ें इसकी टॉप नॉच है। बस एक इसकी चीज़ मुझे सही नहीं लगी, वो इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपको पैराबिन्स वगैरह मिल जाते हैं, जो आपको अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करेंगे तो आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं। सो मैं इसे लिस्ट के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ रखता हूँ। बट अगर आपको कभी कभी यूज़ करने के लिए कोई प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक प्रोडक्ट तो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, एक आपको स्पेशल ओकेजन के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपके हेयर एकदम शार्प लगे, हेयर के अंदर अच्छा टेक्सचर हो, अच्छा होल्ड हो, एक प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है, तो आपको ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। लोरियल पेरिस की हेयर क्ले आपको चेकआउट करना हो रेगुलर बेसिस के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए कोई अच्छा सा हेयर क्ले, प्रीमियम हेयर क्ले, तो लोरियल की हेयर क्ले आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अमेजोन के ऊपर आपको ग्लोबल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स अब आप यूज़ कर पाओगे एंड परचेस कर पाओगे ऑब्वियसली अमेजोन से, तो आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर आपको चेकआउट करना हो तो अमेजोन के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पर जो प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर है, बट ये वाला जो है ये आता है लियो कोर की तरफ से। अब ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं छोटी सी डब्बी है, बट इसके अंदर आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है कम्पेयर टू अर्बन गबरू जिसके अंदर आपको 10 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिल रहा था। एंड इसकी जो प्राइस है वो अर्बन गबरू के करीब है या फिर उससे 50-100 रुपये ज़्यादा होगी, वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो मैटर नहीं करता इतना। इसकी जो क्वालिटी है मुझे उससे बेटर लगती है, इसका जो होल्ड है मुझे उससे ज़्यादा लगता है, टेक्सचर उससे अच्छा लगता है, एंड जब आप अपने हैंड्स को रन करते हैं आपके हेयर के अंदर तो जो आपको फील आएगी वो मुझे उससे बेटर लगती है। दैट्स वाई मैंने इसको लिस्ट में ऊपर रखा है। तो अगर आपको चेकआउट करना हो एक बेटर हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर, तो आप ये लियो कोर का चेकआउट कर सकते हैं। इसका बेस्ट वाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। हम आ चुके हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर वो एक प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। अब जिन लोगों को नहीं पता एक प्री स्टाइलर क्या होता है, एक प्री स्टाइलर ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे आप ब्लो ड्राइंग से पहले यूज़ करते हैं, ताकि जब आप ब्लो ड्राइंग यूज़ करें, जो हेयर ड्रायर जो है वो उसको यूज़ करके जब फिनिश करें, तो आपके हेयर के अंदर पहले से थोड़ा बहुत वॉल्यूम हो, होल्ड हो, एक बेसिक हेयर स्टाइल की शेप हो, ताकि जब आप फिनिशिंग प्रोडक्ट अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा फिनिशिंग प्रोडक्ट भी ना अप्लाई करना पड़े, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी लॉन्ग लास्ट करे विथ परफेक्ट शेप। तो एक प्री स्टाइलर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग के बेस के अंदर। बहुत से लोग नहीं यूज़ करते हैं प्री स्टाइलर को, बट अगर आप उसे ऐड करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो जो मैं प्री स्टाइलर रिकमेंड कर रहा हूँ वो ट्रू फ्रॉक की तरफ से आता है, उनका हेयर मूव्स। हेयर मूव्स का काम होता है आपके
हेयर के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करना, एट द सेम टाइम आपके हेयर को बाउंसी बनाना, बट साथ के साथ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराना कि आपके हेयर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, मतलब आपके हेयर बाउंसी हो जाएंगे ब्लो ड्राइंग जब फिनिश होगी, बट आप जब हैंड्स को रन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हेयर के अंदर कोई प्रोडक्ट है, इतना लाइट वेट प्रोडक्ट है ये। तो डेफिनेटली बहुत सारे मूजेज अवेलेबल है, बट मैंने ये वाला चेकआउट कर रखा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी सही भी लगता है ये ट्रू फ्रॉक की तरफ से जो आता है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको चेकआउट करना हो, वैसे मुझे लगता है आपको करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मूव अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, बट ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, या फिर अगर आपकी हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्ट नहीं करती है, 2-3 घंटे के अंदर ही ख़राब हो जाती है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए अपने हेयर स्टाइलिंग रूटीन के अंदर, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर हम आ चुके हैं नंबर फोर पे जो प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट के अंदर, वो आता है बियर्डो की तरफ से स्ट्रॉन्ग होल्ड क्ले वैक्स। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इतना ऊपर मैंने इसलिए रखा है बिकॉज एक तो ये क्रीम क्ले है, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ इसको, आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है काफी क्रीमी है, एंड जो क्लेज होती है वो मोस्टली नॉर्मल से थिकर हेयर साइड वालों के लिए होती है, बट ये बिकॉज एक क्रीम क्ले है तो ये सारे हेयर टाइप के ऊपर अच्छे से काम करती है। वाइल्ड स्टोन की क्ले जो मैंने बताई थी लिस्ट के अंदर पहले, वो भी एक क्रीम क्ले ही है, को इससे कंपेयर किया जाए तो इसका जो होल्ड है ये आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मिलेगा, मीडियम से लॉन्गर हेयर साइड भी होंगे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा, इससे टेक्सचर जो है फिनिश जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी, मतलब बियर्डो ने एक बहुत अच्छा काम किया है, इतने कम बजट के अंदर इतना अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है बियर्डो ने, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा है, टॉप 5 के अंदर रखा है ऑब्वियसली इस लिस्ट में भी, तो आपको चेकआउट करना चाहिए अगर आपको एक अच्छी क्ले का एक्सपीरियंस लेना आपके हेयर के अंदर, जब आपके हेयर के अंदर क्ले अप्लाइड हो, आपके हेयर के अंदर काफ़ी अच्छा टेक्सचर हो, काफ़ी अच्छा होल्ड मिल रहा हो जो एक क्ले को प्रोवाइड करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहिए, काफ़ी बजट में मिल रहा है, मतलब बियर्डो की प्राइस बढ़ाता तो भी ये जस्टिफाई करता उस प्राइस को। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं नंबर थ्री पे जो प्रोडक्ट, अगेन एक हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स है। अब ये वाला जो है ये आता है निशमैन की तरफ से। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको 20 ग्राम्स हेयर पाउडर मिल जाता है, मतलब अर्बन गब्रू एंड लियोकोट दोनों से ज़्यादा आपको हेयर पाउडर मिलेगा इसके अंदर, एंड इसकी जो प्राइस है वो आपको अराउंड 500 के आसपास मिलेगी। अब इसकी प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है कंपेयर करें उनसे, तो ये प्राइस जस्टिफाई करता है, बट मैंने इसे उन दोनों से ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज एक तो इससे आपको होल्ड काफ़ी अच्छा मिलता है, बट एट द सेम टाइम हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर की मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही लगती है कि जब आप उन्हें अपने हेयर के अंदर अप्लाई करते हैं एंड जब आप अपने हैंड्स को रन करेंगे तो आपके हेयर के अंदर, तो वो टग एंड पुल करता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके हैंड्स को अपने हेयर के अंदर रन करना। ये वाला जो हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर है इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती है जो उन दोनों के अंदर होती है, उन दोनों हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर के अंदर, इसलिए मैंने इसे ऊपर रखा है, इससे होल्ड भी, रिस्टाइलेबिलिटी भी, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आपको चेकआउट करना हो तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। मतलब हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर में अगर मुझे रैंक करना हो तो 1 पे निशमैन, 2 पे लियोकोट एंड 3 पे अर्बन गब्रू, आपको जो भी चेकआउट करना हो तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं नंबर टू पे जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो आता है लियोकोर की तरफ से, एंड उसका नाम है लियोकोर फैंग हेयर क्ले। ये वाली जो हेयर क्ले है ये आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड देगी, काफ़ी तगड़ा टेक्सचर देगी आपके हेयर के अंदर, एंड आपकी हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्ट रखेगी पूरे दिन। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो काफ़ी सेफ है, आपके हेयर को डैमेज नहीं करते हैं, बट साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपके हेयर की हेल्थ में भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ मुझे इसके बारे में अच्छी नहीं लगती या फिर इम्प्रूव्ड हो सकती है या फिर इम्प्रूव हो चुकी होगी बिकॉज मेरे पास काफ़ी पुराना बैच है ये, वो है जब आप इसे निकाल के अपने हैंड्स के अंदर इमल्सीफाई करते हैं तो ये काफ़ी स्टिकी लगती है मुझे, वो ऑब्वियसली इसके होल्ड इतना ज़्यादा इसलिए हो सकती है, बट उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो ये काफ़ी टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सकता है। ऑब्वियसली अभी भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, बट और इसे अगर इम्प्रूव करना हो तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसका आप टेक्सचर, जब आप इसे जार से बाहर निकालते हैं तो ये काफ़ी स्टिकी लगती है, तो उस टेक्सचर को जब हैंड्स में इमल्सीफाई करते हैं जो अजीब सा स्टिकीपन हो जाता है उसको अगर अपन कंट्रोल कर पाए तो ये वाला जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट। आपको अगर कोई एक अच्छी सी हेयर क्ले चाहिए हो जो आपके हेयर के अंदर बहुत तगड़ा वाला होल्ड दे रही हो, आपके हेयर के अंदर तगड़ा टेक्सचर प्रोवाइड कर रही हो, बट मैं आपको बता दूँ ये नॉर्मल से थिक हेयर साइड वालों के लिए ही बेस्ट वर्क करेगी हेयर के अंदर, थिन हेयर वालों के लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट अगर
पसंद हो तो आप डेफिनेटली लियो कोर की फैंग ट्राई कर सकते हैं। इसका बेस्ट वाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो हम आ चुके हैं नंबर वन पे। नंबर वन पे मैंने दो प्रोडक्ट्स फीचर किए हैं, बोनस प्रोडक्ट मिल रहा है आपको मेरी तरफ से। एंड ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेजोन के ऊपर ग्लोबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इन्हें परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टी का बेड हेड मैट सेपरेशन। ये एक हेयर वैक्स है। आपको एक परफेक्ट हेयर वैक्स की जो डेफिनेशन होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड, नेचुरल लुक, आपके हेयर के अंदर बिल्कुल फील नहीं होगा आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रखा हो, एंड ओवरऑल आपकी हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, रीस्टाइलेबिलिटी मिलती रहेगी, तो आप टीगी पे भरोसा कर सकते हैं, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है अमेरिकन क्रू का आता है ये फाइबर। अभी वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने रखा है लिस्ट के अंदर, बट ये आपको देख सकते हैं ये टीगी का जो आपको 100 ग्राम मिल जाता है जिस प्राइस में, उसमें आपको ये केवल 50 ग्राम से मिलेगा। तो ये डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है अमेरिकन क्रू वाला, बट इसका जो 50 ग्राम है, इसे जितना मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से इसकी जो मुझे, जब आप इसे इमल्सिफाई करके अपने हेयर के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मुझे टीगी से बेटर लगता है, बिकॉज ये काफ़ी स्मूथ पड़ता है। बट उस स्मूथनेस थोड़ी देर के लिए रहती है, जैसे आप अपने हेयर के अंदर इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो ये आपके हेयर के अंदर हार्ड हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली आपके हेयर के अंदर काफ़ी अच्छा होल्ड प्रोवाइड करने लग जाता है। फिर उसके बाद से आपके हेयर के अंदर आपको एक नेचुरल ग्लो मिलता है, आपके हेयर के अंदर अच्छा सा टेक्सचर मिलता है, एंड एक हेयर वैक्स को जैसे कि वो सारे बेनिफिट्स मैंने बताए वो सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दैट्स वाई मैं काफ़ी कन्फ्यूज था कि किसको कहाँ रखना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये दोनों ही नंबर वन पोजिशन डिजर्व करते हैं, दैट्स वाई ये मेरी लिस्ट के अंदर नंबर वन पे है। अगेन अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स पर कंपैरिजन देखना हो मेरी तरफ से तो मैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो वीडियो बना दूंगा कंपैरिजन की भी। ये थे नंबर वन के ऊपर प्रोडक्ट। अगर आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट परचेस करने हैं तो इनके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी मेरी टॉप 15 की लिस्ट। 16 प्रोडक्ट्स थे वैसे तो लिस्ट के अंदर, बट टॉप 15 बेस्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, मदद हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है वीडियो में कई बार कि सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ड्रॉ फाइल।